বাঙালি মহিলা মানেই শাড়ির প্রতি বাঙালিদের একটা মানে মারাত্মক ধরনের আকর্ষণ রয়েছে। তো আমরা এখন এসেছি বেনারসে। বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই? যেহেতু আমরা এখন বেনারসে রয়েছি, আর বেনারসের সব থেকে বিখ্যাত শাড়ি বেনারসি শাড়ি, সেটা আমরা সবাই জানি। বিশেষ করে বাঙালি মহিলাদের কাছে বিয়ের সময় বেনারসি পরে বিয়ে করাটা একটা কি বলবো মানে একটা স্বপ্ন। তো সেই জন্যই বেনারসে এসে বেনারসি শাড়ির সুলুক সন্ধান নেব না, এটা হতে পারে না। আর সেই জন্যই আমি পৌঁছে গিয়েছি এমন একটি পরিবারে, যেই পরিবার গত 400 বছর ধরে এই বেনারসি শাড়ি তৈরির কাজ করছেন এবং এটাই এদের মূল জীবিকা। এখান থেকে তাদের যে শাড়ি, আমি পেছন দিকে আমার শাড়িগুলো রয়েছে, একটু আমি আপনাদের ছোট্ট করে দেখিয়ে নেব। প্রচুর শাড়ির স্টক রয়েছে, সেগুলো যেমন আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরবো এই ভিডিওয়ে, তেমনই এখান থেকে শাড়ি কোথায় কোথায় যায়, কী কী ডিজাইন রয়েছে, সমস্ত কিছুই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। সুতরাং সঙ্গে থাকুন। তানা और इसको बोलते हैं बाना, ठीक है। अच्छा। इसको बोलते हैं बाना। तो जिस कतान सिल्क से मशहूर है बनारसी साड़ी, ये वो है फैब्रिक, ठीक है। और इसको वीव करने के लिए इसमें दो आदमी बैठते हैं, कम से कम ये एक साड़ी कम से कम एक महीना लगता है इसमें बुनाई करने के लिए। और बनारस में जितने भी हैं वीवर्स जो बनारसी साड़ी बनाने वाले, ना के बराबर है, कम से कम 50-55 के उम्र के सब बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें सारा डिज़ाइन रहता है, इसमें सारा डिज़ाइन आपका रहता है। इसको बोलते हैं पत्ता, ठीक है, इसमें रहता है। और ये जैसे कि अब यहाँ पे एक आदमी यहाँ बैठते हैं, एक आदमी यहाँ बैठते हैं, तब इसको उठाया जाता है। फिर इसको बाद इसको ये जो है इसको थ्रो करते हैं, ठीक है, इसको थ्रो करते हैं। देखिए जैसे इस ये आ गया ना, इसमें लग गया, फिर उसके बाद इसी तरह उठाएंगे, फिर ये इसी तरह बनारसी साड़ी बुनाई होती है। তো যেমনটা আমি বলছিলাম যে আমরা এখন যেই জায়গায় এসেছি, এনারা 400 বছর ধরে শাড়ি বানান। তো এদের কাছ থেকে আমি জেনে নেব এই বেনারসি শাড়ির ডিটেলস এবং বেনারসির আর কী কী রকম ফের হয়, এই সমস্ত কিছু আমি ওনার কাছ থেকে জেনে নেব। ভাইয়া পেহলে তো আপনার নাম বাতাইয়ে। মেরা নাম আফরোজ আহমদ হ্যাঁ, আর বনারস মে এমটি সিল্ক স্টেট বড়ি বাজার संजय नगर कॉलोनी में आप इस वक्त हैं, और ये आप देख रहे हैं आप, हम ये हमारा कोई शॉप नहीं है, हमारा वीविंग और सप्लाई का काम है। नॉर्मली जो है हमारे यहाँ शॉपकीपर आते हैं, उनको हम लोग सैम्पलिंग वगैरह दिखा कर ऑर्डर लेते हैं और सप्लाई का काम करते हैं। तो जिस प्राइस से हम अपने शॉपकीपर को देते हैं, सेम प्राइस से कुछ गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं, जैसे बनारस में घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं दर्शन वगैरह करने के लिए, तो उन्हीं प्राइस से जो है उनको भी हम लोग दे देते हैं। तो भैया हमारे जो बंगाल के लोग हैं, मतलब बंगाल की जो लड़कियां हैं वो साड़ी से बहुत मतलब कनेक्ट करती है, और बनारसी साड़ी तो हमारा वहाँ जो शादी होता है, शादी का जो माहौल होता है, शादी का जोड़ा, उसमें बनारसी साड़ी एक ट्रेडिशन है। जी। मतलब अगर आप बनारसी ना पहन के शादी करो तो शादी नहीं, मतलब मना ही नहीं जाएगा कि शादी हो रहा है। ये चीज़ें जैसा कि आपने कहा कि बंगाली में या बंगाल में जो है बनारसी साड़ियों पे ही जो है शादियां वगैरह होती हैं, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हमारे यहाँ हर स्टेट से लोग आते हैं। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ बनारसी साड़ियों को ही पहन के शादियाँ होती हैं, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आपका जो है महाराष्ट्र हो गया, और ये आपका बंगाल स्पेशली, वो तो मस्ट है, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसी साड़ियों पे जो है उनकी शादियाँ होती हैं आती है। आप कोलकाता से हैं, आप बड़ा बाज़ार अच्छे से जानती होंगी, बड़ा बाज़ार साड़ियों की एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है, तो समझ लीजिए कि 60% जो है हमारी सप्लाई कोलकाता से ही है। तो अभी हम देख लेंगे कुछ सैंपल्स यहाँ पे है, तो एकदम चीप प्राइस से शुरू करके एकदम हाईएस्ट प्राइस तक क्या क्या है वो भैया हमको दिखाएंगे। पहले जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं साड़ियों को बनारसी कहा जाता था, ये थोड़ी हैवी वेट होती हैं, इसका वेट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल जो है लाइट वेट पे साड़ियाँ बनने लगी हैं। देखिए इसको कहते हैं बनारस वाल कलम डिज़ाइन। वाल कलम मीन्स सिर्फ आपको आँचल मिलेगा और बॉर्डर मिलेगा, पूरी साड़ी आपको प्लेन मिलेगी,
ठीक है, ये डिज़ाइन का नाम है ये, और ये हैंडमेड नहीं है, क्योंकि 600 या 1000 रुपीज़ में या 2000 में या 5000 में या 6-7000 में भी जो है आपको हैंडमेड की साड़ियाँ नहीं मिलेगी, बहुत कम जो है चांसेस होंगे, और मिलेगी भी तो प्योर नहीं मिलेगी। इसमें आपको आंचल यही मिलेगा, आंचल की डिज़ाइन को चिट पल्लू कहते हैं, इस डिज़ाइन को चिट पल्लू कहते हैं। ब्लाउज पीस की कंडीशन वही उसी तरह है, किसी में जो है इस तरह की आपको लाइनिंग मिलेगी, ब्लाउज में भी आपको जो है विब मिलेगा, डिज़ाइन मिलेगी, और पूरी साड़ी में ऑल ओवर आपको जो है ऑल ओवर आपको विब मिलेगा। ये है बनारस बनारसी साड़ियाँ। इन्हीं साड़ियों पे नॉर्मली जो है आपने कहा ना कि बंगाली लड़कियाँ जो है ज़्यादातर बनारसी साड़ियाँ ही पसंद करती हैं, तो पहले की ट्रेडिशनल साड़ियाँ ये होती थी जी। नहीं, इसमें कलर और डिज़ाइन बहुत सारा मिलेगा, ये थोड़ा हैवी वेट होती हैं। हाँ, प्रेफरेंस तो वो तो करते ही हैं जी जी। शादी के टाइम पे प्रेफरेंस करते हैं जी। लाल वहाँ पे शुभ माना जाता है। देखिए, ये साडन सिल्क है, ये साडन सिल्क पे है, और ये पुरानी ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, और आज की डिज़ाइन देखिए ये है, और ये वो डिज़ाइन है जो अनुष्का शर्मा ने अपने वेडिंग में पहना था, सॉरी रिसेप्शन पार्टी में पहना था। ये उसकी कॉपी है, सेम चीज़ नहीं है, ये उसकी कॉपी है। आप अगर उनकी साड़ी देखी होंगी तो उसमें जो है इसकी बूटी जो है बड़ी थी और इसकी छोटी है, और इसमें जो है आंचल ये आएगा। ब्लाउज दिखाओ, ब्लाउज देखिए ये ब्रोकेट टाइप का आएगा, और ऑल ओवर आपको जो है वी मिलेगा बनारस बूटे का। तो ये पुरानी ट्रेडिशनल है, हैवी वेट की है, ये उससे थोड़ा लाइट है। अब इसको जो है साडन सिल्क पे कहते हैं, और इसको जो है दो दमा कहते हैं। आज की डेट में ये नया जो है इसका वर्जन आया है, ये बनारस दो दमा है। अब आप इसका टेक्सचर फील करिए, देखिए ये प्योर है, और इसका टेक्सचर फील करिए, दोनों के बीच डिफरेंस आपके समझ में आ जाएगा। ये जो बहुत जानकार होंगे सिल्क के, उन्हीं को समझ में आएगा, सभी को नहीं समझ में आएगा। इसमें कलर्स और डिज़ाइन ऐसी ऐसी मिलेंगी जिनका पेयर जो है पूरे बनारस में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी अपनी पर्सनल डिज़ाइने हैं, कुछ डिज़ाइनें इस तरह की आएंगी। देखिए, ये तो डिज़ाइन कॉमन है, लेकिन फिर भी हमने आपको दिखाने के लिए निकाला। बहुत सारी डिज़ाइनें हैं, इतनी डिज़ाइनें हैं कि दिखाने जब बैठेंगे ना मैम, तो आपकी वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, एक मूवी भी जो है कम पड़ जाएगी। तो कुछ कॉमन साड़ियाँ जो कि हमारी स्पेशल जो है डिज़ाइनें हैं, वही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये है बनारस कोरा सिल्क, इसका आंचल ये आएगा, ब्लाउज आपको ये मिलेगा, और ऑल ओवर आपको जो है गोल्ड एंड सिल्वर जरी का वर्क मिलेगा। ये देखिए, हाथ में लीजिए, वेट देखिए। उस साड़ी को भी हमको आपको हाथ में देना चाहिए था, बट मैंने आपको दिया नहीं, ये मेरी गलती हो गई। अगर इसके साथ कंपेरिजन करती तब आपको सही वेट समझ में आता। लीजिए देखिए, ये इसका आंचल आएगा, ये बनारस कड़वा वर्क है। हमने आपसे बताया ना मैम कि कुछ जो है विप इस तरह ऐसी हैं जिनके कारीगर अब बनारस में एकदम ना के बराबर मिलेंगे आपको। ये बनारस फेकुआ वर्क है, इसमें आपको बैक में ये थ्रेड दिखेंगे कटे हुए, दिख रहे हैं, ये फेकुआ वर्क पे है। और ये है बनारस कड़वा वर्क, देखिए इसमें आपको जैसा आपका फ्रंट दिखेगा, देखिए वैसे ही आपको बैक दिखेगा, एक भी धागे आपको कटे हुए नहीं दिखेंगे, इसको काढ़ कर बनाया जाता है। और बनारस में इस काम को करने वाले कारीगर अब एकदम ना के बराबर रह गए हैं। रीज़न ये है कि प्रॉफिट उतनी होती नहीं, मजदूरी मिल नहीं पाती, इसलिए ये काम जो है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्रेज़ ज़्यादा हो गया है। और आने वाले कुछ सालों में क्या पता ये जो है कला भी एकदम ख़त्म सी हो जाएगी, जब नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर ही नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ मिलेगी कहाँ। और ये चीज़ें जो है हर लोग नहीं समझता। ये बनारस जाल वर्क पे है, ये बनारस पश्मीना है, इसमें आपको 40% पश्मीना और 60% जो है कतान सिल्क मिलेगा, एकदम लाइट वेट जी, एकदम लाइट वेट। ये पूरी साड़ी जो है आप ये रिंग देख रही हैं, इस रिंग से क्रॉस होगी पूरी की पूरी साड़ी।
नॉर्मली आप आज की डेट में एक जो है पश्मीना का शॉल भी लेने जाइएगा ना, तो वो भी आपको 8 से 10 हज़ार मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपए की मिलेगी, वो भी 2.5 मीटर की मैक्सिमम लेंथ जो है वो मिलेगी आपको। लेकिन ये विद ब्लाउज पे 6.5 मीटर की पूरी लेंथ मिलेगी और रियल पश्मीना। ये जैसे मीनाकारी आपने सुना होगा, वो शॉपकीपर क्या बोलते हैं कि ये मीनाकारी है, एक्चुअल में आप रियर वीवर्स के पास जाइएगा तो वो उसका सही नाम बताएगा। इसको बोलते हैं अल्फी, डिज़ाइन का नाम है पौरी। तिल्फी दिखाओ, तिल्फी वर्क उसको बोलते हैं जो रेशम और जरी का वर्क होता है, उसको तिल्फी बोलते हैं। कतान ये भी है, कतान ये भी है। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, देखिए दही हो गया या मलाई हो गया, दोनों चीज़ बनती है दूध से ही, तो आप ये समझिए दूध से ये भी बना है और दूध से कतान जो बेस्ट क्वालिटी दिखाया गया है वो भी बना है। क्वालिटी वाइज गुड बेटर बेस्ट होता है। इसी तरह जैसे किसी को चाहिए बढ़िया चीज़ चाहिए, तो भाई बढ़िया चीज़ है तो बढ़िया पैसा रहेगा, जितना चाय में शुगर डालिएगा उतनी मिठास आएगी। सेम चीज़ साड़ियों में है। अब देखिए ये टसर है, एक्चुअल में टसर सिल्क, ये टसर सिल्क होता है, कलर भी इसका टसर ही होता है, ये डाई होता है, इसको किसी भी कलर में आप डाई करा सकते हैं, नेचुरल इसका टसर कलर होता है। पल्लू ये बनता है, ब्लाउज ये बनता है, और इसमें एम्ब्रॉयडरी, ये हैंड वीविंग एम्ब्रॉयडरी है। क्वालिटी एक ये देखिए, तनछुई बताया था उन्होंने, तनछुई की वीविंग होती क्या है, जैसे आप आम लैंग्वेज में बताइए बोलिएगा तो इंटरलॉक वीविंग। तनछुई की वीविंग दरअसल होती है, 3 लेयर होता है लेंथ में, जो तानी होता है, तानी उसको बोलते हैं लेंथ को, बाना उसको बोलते हैं व्यक्त को। तानी की जो लेयर होती है 3 लेयर होती है, नीचे होता है, फिर बीच में होता है, फिर थर्ड में होता है। जो धागे को थ्रो करते हैं वो एक धागा को कैप्चर करता है, इसलिए बैकिंग में आपको धागा दिखेगा। 1500 डिजाइन बनाते हैं मलमल सिल्क, एक्चुअल में ये कोई रियल सिल्क नहीं होता, इसको प्रोसेस में खराई होता है, इसको खारते हैं, इसलिए ये इतना सॉफ्ट होता है। नेट पे आप देखिएगा तो इस समय ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है मलमल सिल्क। 1500 डिजाइन बनाते हैं, सबका सिंगल सिंगल कलर है। इसकी तानी जॉर्जेट की है, बाना टसर। तो ये ब्रश का काम है, रंग काट दो तरह का बनता है, एक ब्रश का बनता है और एक होता है वीविंग पर, रंग काट वीविंग की निकाल, ये वीविंग पर पल्लू ये आएगा, ब्लाउज इसका रंग काट। देखिए सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का सिल्क, इससे बढ़िया सिल्क होता ही नहीं। जैसे उन्होंने कड़वा दिखाया ना, तो कड़वा की वो सबसे नॉर्मल क्वालिटी है, ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है कड़वा रंग काट। ये 35,000 पूरा धागा काढ़कर बना हुआ है, जरी जो है पूरी काढ़कर बनी है। इसको बनाने में, एक साड़ी को बनाने में 22 दिन लगा हुआ है, हाँ 22 दिन लगभग एक महीना। कड़वा लाल वाली निकालो एक साड़ी, जैसे पत्थर को तराशा जाता है तो सोच लीजिए इसी तरह की इसकी वीविंग होती है। एक धागा भी अगर, एक धागा या एक जरी अगर गलत थ्रो हो जाएगा या कड़ा जाएगा तो साड़ी पूरी खराब हो जाएगी, कोई डिज़ाइन आपको क्लियर नहीं दिखेगा। देखिए इसमें एक धागा भी आपको कहीं भी गड़बड़ नहीं दिखेगा, पूरा मैट फिनिश, जैसा फ्रंट वैसा ही बैक। ये हमारा पंजाब जाता है, पंजाब में काश्तकारी करके हैं उनके वहाँ जाता है, ये सब डिज़ाइनें हम वो कारपेट से लेते हैं, जो कारपेट की डिज़ाइनें होती हैं उन्हीं से लेते हैं, उन्हीं से लेकर। देखते ही पाच्छेन पुरो एकदम बेनारसी शाड़ीर एकदम मध्य बसे आछि। तो এই যে ভিডিওটা আজকে করেছি, যেখান থেকে আমি ইনফরমেশনগুলো পেয়েছি, যোগী অন হুইলস নামের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেখান থেকে ইনফরমেশনগুলো পেয়েছি, তাই
ওই ইউটিউবারকেই কিন্তু আমি কার্ডশিটটা দিতে চাই, যে তার কাছ থেকে যেহেতু আমি ইনফরমেশানটা পেয়েছি, আর পেয়ে আমি একদম সোজা চলে এসেছিলাম এখানে। এবার বলি, যারা বিজনেস করতে চান, এনারা যেহেতু হোলসেলার, তাই যারা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যদি কেউ বিজনেস করতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমি এনাদের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার সেটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। আর হ্যাঁ, আপনাদেরকে বলতে হবে যে এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। প্ল্যাটফর্ম ইজ ওপেন টু অল, সো প্লিজ কমেন্ট।